नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। पूरे देश सहित पूरे बिहार में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिहार के निजी अस्पताल की बात करें या सरकारी अस्पताल की, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। लगातार सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर एक व्यवस्था है जिससे जो मरीज हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि आज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। इसकी जानकारी हमें पीएमसीएच के अधीक्षक ने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पीएमसीएच के अधीक्षक, पहले आप वो सुनें। ये इस प्लांट का, ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इसका नाम है, और इससे 50 सिलेंडर पर डे हम लोग को मिलेगा। तो इस सिलेंडर से हम लोग केवल जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो आईजीएससी का है, इंदिरा गांधी कैजुअल्टी जो है हमारा है, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में हम लोग इससे दे पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का जो है जो ऑलरेडी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन 50 भी अगर मिल जाता है तो इसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज उद्घाटन हमने कर दिया है, चालू भी हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के जिस प्रकार के हालात हैं, कोविड के जो हालात हैं, उसमें अभी जो अभी जितनी क्षमता है उसके अनुसार क्या मतलब कमियाँ नजर आ रही हैं? एक्चुअली है कि ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं है, हम क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब के द्वारा भी 24 तारीख को ही मजिस्ट्रेट वगैरह का डिप्रेशन होने का आदेश हुआ था, जो मजिस्ट्रेट भी वहाँ देख रहे कितना मरीज आ रहा है जा रहा है, वो अपना मॉनिटर कर रहे हैं। इधर वाला हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ मैनेजर हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, और हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। उसके हिसाब से 800 के आसपास जो है सो कंजम्पशन मेरा हो रहा है, 50 कमने से ही हो जाएगा। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो क्रायोजेनिक प्लांट है, वो अभी बगल में उसका जो है सिविल वर्क हमारा शुरू हो चुका है। हम समझते हैं 10-15 दिन में सिविल वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक में, क्योंकि लिंडे कंपनी को देना है, उसको है ना टैंक जो देगा है ना, लिक्विड कंप्रेस लिक्विड वहाँ रहता है, तो वो अगर लग जाता है दो टैंक हमारा, तो पूरे मेडिकल कॉलेज का जो है ऑक्सीजन सप्लाई हमको उससे मिल जाएगा, और हमको किसी तरह का बाहर से एक सिलेंडर भी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सर खपत कितना मैट्रिक टन है? 800 से 900 सिलेंडर करीब करीब है, 800 के कभी 750 है, कभी 800 है, कभी 850 है, है ना। उत्पादन कितना हो रहा है? उत्पादन यहाँ यही नहीं, उत्पादन का पहला प्लांट ही है, हम लोग बाहर से ही आउटसोर्सिंग से मंगाते हैं, और आउटसोर्सिंग मंगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी आउटसोर्सिंग पर है, दोनों आउटसोर्सिंग ही कर रहा है मेरा काम, हम लोग केवल थोड़ा बहुत मॉनिटर करते हैं वही लोग करता है। तो आपने साफ तौर पर सुना पीएमसीएच के अधीक्षक का कहना है कि आज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट का जो निर्माण है वो कर लिया गया है, और उसके बाद इसका जो सुचारू रूप से काम है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन पीएमसीएच अस्पताल में 800 से 900 जो सिलेंडर की ज़रूरत है वो पड़ती है, पर जो ये अभी प्लांट है वो अभी बस 50 सिलेंडर ही पीएमसीएच अस्पताल को देने जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने जो अब ये फैसला लिया है कि हर एक सरकारी अस्पताल में पीएम रिलीफ फंड के तहत जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाया जाएगा, अगर सरकार यह कार्य पहले कर लेती तो जो मरीज़ हैं उन्हें दिक्कतों का ना सामना करना पड़ता। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।